नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं भी उपाध्याय विजुअल फिट कंप्यूटर ट्यूशन के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम फिर एक नए टॉपिक लेके आए हैं जो ADCA, DCA, CCC एंड BCC कोर्सेज से रिलेटेड है। इसमें फर्स्ट टॉपिक आपको अभी तक पढ़ाई जाती है, इसका नाम है फंडामेंटल यानी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काफी कुछ आपको बेसिक के बारे में बता दिए गए थे, जैसे आपको कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में, कंप्यूटर के बेसिक इंफॉर्मेशन, इंट्रोडक्शन, ब्लॉक ड्राइवर कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर एंड इनपुट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर में कौन कौन से पार्ट्स की इंक्रप्शन, पार्ट से कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन दी जाती है। ये सारे टॉपिक्स आपके इन सिलेबस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सारे टॉपिक को बहुत ध्यान से लीजिए। आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी जो हमें पार्ट जिनकी जानकारी, कंप्यूटर के ऊपरी हिस्सा की जानकारी दे रहे थे, आज हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर की इंटरनल के बारे में, जिसका नाम है प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के इंटरनल जो पार्ट्स होते हैं जो कंप्यूटर को चलाने में, लैपटॉप डेस्कटॉप को चलाने में आपकी मदद करती है, उन पार्ट्स का क्या इस्तेमाल होता है, कैसे होता है, कैसे ये काम करते हैं, क्या इनकी क्षमता होती है और ये कैसे काम करता है। तो एक एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। सबसे पहले आज हम जो इस टॉपिक में पढ़ेंगे, इसका नाम है SFP, जिसको बोलते हैं स्विच बोर्ड पावर सप्लाई। ये कंप्यूटर का एक ऐसा डिवाइस होता है जो कंप्यूटर की पावर सप्लाई के लिए काम करता है। ये कंप्यूटर जब ऑन करते हैं तो जो पावर कंजेक्शन होता है, सबसे पहले ये काम करता है, चाहे लैपटॉप हो चाहे वो डेस्कटॉप हो, बिना पावर सप्लाई का कोई भी कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होता है। इनके बारे में हम डिटेल आगे पढ़ेंगे। फिर अगला पावर पढ़ेंगे मदरबोर्ड। मदरबोर्ड एक कंप्यूटर का जो पार्ट्स होता है जिसमें सारे डिवाइस आपस में दूसरे से ज्वाइंट होती है, इसके माध्यम से कंप्यूटर चलता है, लैपटॉप डेस्कटॉप काम करता है। तो उन बोर्ड के बारे में बात करेंगे, ये बोर्ड क्या होता है, कितने तरह के होते हैं, किस चीज का बना होता है बोर्ड और कैसे काम, किस चीज की क्षमता क्या होती है, हम इसको डिटेल से आगे बात करेंगे। अगले टॉपिक में पढ़ेंगे डिस्प्ले कार्ड। इस बोर्ड के अंतर्गत कई सारे डिस्प्ले कार्ड होते हैं जो हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन को ओपन करता है, उनका VGA, डिस्प्ले कार्ड, कई सारे पार्ट्स होते हैं। तो हम उस डिस्प्ले के बारे में जानेंगे, डिस्प्ले कार्ड का इस्तेमाल क्या होता है। अगले टॉपिक में पढ़ेंगे FDD। FDD का मतलब यानी कंप्यूटर की फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, जो सबसे पहले एक्सटर्नल डिवाइस होता है। फ्लॉपी कब आया था, क्या बना था, कैसे इस्तेमाल होता है और ये फ्लॉपी कितने प्रकार के होते हैं, तो आगे हम इसको पढ़ेंगे डिटेल्स में। एंड अगला पढ़ेंगे उसके बाद हम HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव, हमारे कंप्यूटर में मेमोरी ब्रेन क्या होता है, यानी हार्ड डिस्क क्या होता है, इसकी क्षमता क्या होती है और कितने प्रकार के हार्ड डिस्क इस्तेमाल हम लोग करते आ रहे हैं। अगले टॉपिक में पढ़ेंगे DVD के बारे में, DVD क्या होता है। CD के बारे में पढ़ेंगे, पेन ड्राइव के बारे में पढ़ेंगे, USB के बारे में पढ़ेंगे, उनके बाद जो इंटरनल पार्ट लगा होता है रैम और रोम के बारे में। ये सारे टॉपिक कंप्यूटर से रिलेटेड यानी प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स के पार्ट होते हैं जिसके माध्यम से लैपटॉप डेस्कटॉप आपका चलता है। तो एक एक टॉपिक बहुत डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे कि इनका इस्तेमाल कैसे और क्या होता है। तो कल हम अगले वीडियो में आपको मिलेंगे इन टॉपिक के बारे में। एक एक टॉपिक बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये सारे टॉपिक आपके किसी भी कंपटीशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और ये कंप्यूटर के हार्डवेयर फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे सॉफ्टवेयर फील्ड में, चाहे प्रोटोकॉल से जो क्वेश्चन पूछे आते हैं, इन सभी टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो मिलते हैं स्टूडेंट अगले वीडियो में। आज का वीडियो अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए, जिससे वो भी अगर ADCA, CRDA, DCA, CCC में अगर स्टडी करना चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कराइए उनसे भी और सीखिए हर टॉपिक को बारे में। दूसरा जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको जॉब चाहिए या जॉब करना चाहते हैं तो हमारे पास किसी डिपार्टमेंट में जॉब आ चुका है, जैसे सेल्स के लाइन में आया है, अकाउंटिंग के लाइन में जॉब पे आया हुआ है और स्टॉक कीपर की लाइन में जॉब जॉब आया हुआ है। अगर आप स्टूडेंट्स करना चाहते हैं जॉब तो कमेंट्स करिए, अपने नाम के साथ नंबर डालिए, इससे हम आपको कॉल बैक करके बाद आपको इन्फॉर्मेशन देंगे किस जगह कैसे काम आपको जॉब मिल सकता है। धन्यवाद, मिलते हैं।